हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करने जा रहे हैं मॉड्यूल नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3। हमने मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 4 वो कंप्लीट कर लिया है। अब आज शुरू करेंगे मॉड्यूल नंबर 2। थर्ड चैप्टर है अकाउंट्स ऑफ अंडरराइटिंग कमीशन। ओके, शुरू करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए अंडरराइटिंग क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अंडरराइटिंग। ओके, आपको इंट्रोडक्शन में दिया है, पब्लिक कंपनी हैज टू कलेक्ट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मिनिमम शेयर कैपिटल टू गेट द सर्टिफिकेट टू कमेंस अ बिजनेस आफ्टर इट हैज ऑब्टेन अ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। दिस मिनिमम अमाउंट इज कॉल्ड अ मिनिमम सब्सक्रिप्शन। यानी कोई भी अगर कंपनी नई शुरू कर रहे हैं तो उनके लिए एक रूल बनाया गया है कंपनी एक्ट में कि उनको मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिलना ही चाहिए, उसके बाद ही उनको क्या मिलेगा, उनका बिजनेस शुरू करने का जो सर्टिफिकेट है वो मिलेगा। ओके, फॉर एन एग्जांपल, मैं अपनी नई कंपनी शुरू कर रही हूँ, एक्स लिमिटेड। ओके, एक्स लिमिटेड की मैंने अपनी इक्विटी शेयर कैपिटल है वो कितनी रखी है, 10 लाख। और मैं जब नई कंपनी शुरू कर रही हूँ तो इश्यू कैपिटल मैंने कितनी रखी है, 10 लाख। सो ऐसा नियम है 10 लाख के 90% जो अमाउंट है इक्विटी शेयर कैपिटल की वो हमें मिलनी ही चाहिए। ओके, वो 90% है उनको क्या बोलते हैं, मिनिमम सब्सक्रिप्शन। 90% अमाउंट मिलेगी तो ही मैं क्या कर पाऊंगी, अपना बिजनेस शुरू कर पाऊंगी। अदरवाइज मैं अपना बिजनेस शुरू नहीं कर पाऊंगी, मुझे बिजनेस शुरू करने का जो सर्टिफिकेट है वो नहीं मिलेगा। सो मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज इम्पॉर्टेंट वाइल वी आर इनकॉर्पोरेटिंग द बिजनेस। ओके, तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन अगर नहीं मिलता तो क्या कंपनी शुरू नहीं करेंगे, बाकी की जो सारे कंपनी शुरू करने के लिए जितने भी खर्च किए थे वो सारे वेस्ट हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। इसके लिए भी एक ऑप्शन निकाला है, क्या है उसके लिए आप क्या कर सकते हो, कोई एक बैंक या कोई दूसरी फर्म या कोई इंडिविजुअल, आप उसको क्या कर सकते हो, एज अ एजेंट रख सकते हो। एज अ एजेंट यानी क्या, अगर आपकी 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं होती तो वो बंदा या वो फर्म क्या करेंगे, आपके जो शेयर्स है जितने भी सब्सक्रिप्शन में कम हो रहे वो सारे शेयर्स क्या कर लेंगे, वो परचेज कर लेंगे। ओके, और उस एजेंट को हम क्या बोलते हैं, अंडरराइटर। और अंडरराइटर को जो उसने काम किया है उसके लिए हम उसे क्या देते हैं, कमीशन देते हैं, उसको हम बोलते हैं अंडरराइटिंग कमीशन। ठीक है, सो यहाँ आपको दी है, अंडर राइटिंग इज एन एग्रीमेंट एंटर्ड इन टू बाय द कंपनी विथ द अंडर राइटर्स बाय विच अंडर राइटर्स एग्री दैट इन द इवेंट ऑफ द पब्लिक नॉट टेकिंग अप द होल ऑफ द इश्यू दे विल फॉर एन एग्रीड कमीशन टेकन अप सच अ पार्ट ऑफ द शेयर्स एज द पब्लिक हैज नॉट अप्लाइड फॉर। यानी अगर पब्लिक आपके जो शेयर्स है वो अप्लाई नहीं करती, आपके जो कंपनी के शेयर्स है वो पब्लिक परचेज नहीं करती है, तो वो अंडररराइटर क्या करेगा, आपके जो शेयर्स है वो परचेज कर लेगा। ओके, और वो पर्सन जो परचेज करेगा उसे हम अंडररराइटर बोलते हैं, और उसको उसने जो सर्विस प्रोवाइड की है उसके बदले में हम उसको जो पेमेंट करेंगे उसको हम बोलते हैं अंडररराइटिंग कमीशन। ठीक है, आई होप आपको पता चल गया होगा व्हाट इज अंडररराइटर एंड व्हाट इज अंडररराइटिंग कमीशन। ओके, आपको यहाँ दिया है, बाकी तो आपको सम में दिया ही होगा कितना अंडररराइटिंग कमीशन आपको देना है, पर यहाँ जो दिया है मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस बाय इट्स सर्कुलेटर डेटेड 5 मई 1985, उन्होंने क्या बोला है, इक्विटी शेयर के लिए अगर आप अंडररराइटर्स रख रहे हो तो उसके लिए 2.5% कमीशन देना है। ओके, और ऑन अमाउंट सब्सक्राइब बाय द पब्लिक तो भी आपको 2.5, ये आपको कहाँ काम आएगा, एमसीक्यूज में काम आएगा। ठीक है, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर के लिए है अप टू 5 लाख, सो 2.5, और एक्सेस 5 लाख 2%, 1.5 एंड 1, ये आपको ज्यादातर एमसीक्यूज में पूछेंगे, बाकी तो आपको सम्स में अगर कैलकुलेट करना होगा तो उसके लिए दिया ही होगा कि कितना आपको कमीशन देना है। नाउ टाइप्स ऑफ अंडररराइटिंग एग्रीमेंट, कितने टाइप्स के एग्रीमेंट होते हैं। ओके, सबसे पहले है प्योर अंडररराइटिंग। प्योर अंडररराइटिंग का मीनिंग क्या होता है, इन प्योर अंडररराइटिंग द अंडररराइटर्स एग्री टू परचेज द शेयर्स और डिबेंचर्स व्हिच हैव नॉट बीन सब्सक्राइब्ड फॉर बाय द पब्लिक। इफ द एप्लीकेशन आर रिसीव्ड फ्रॉम द पब्लिक फॉर द होल इश्यू द अंडररराइटर्स हैव नॉट टू टेक अप एनी शेयर। यानी अगर आपको पब्लिक में से पूरे पूरी अमाउंट मिल जाती है शेयर्स की,
तो अंडरराइटर एक भी शेयर परचेज नहीं करेगा, ओके। और अगर आपकी अमाउंट पूरी अमाउंट है वो पब्लिक के पास से नहीं मिलती है तो ही क्या करेगा, अंडरराइटर परचेज करेगा। अगर आपको पब्लिक के पास से फुल सब्सक्रिप्शन मिल जाता है तो अंडरराइटर एक भी शेयर आपका परचेज नहीं करेगा, ठीक है। और उसको कमीशन कितना मिलेगा, हमने उसको जितना अंडर रिटर्न किया है, दे गेट कमीशन ऑन ऑल द शेयर्स विच दे हैव अंडर रिटर्न, यानी हमें उसको कितनी लायबिलिटी दी है वही क्या करेंगे, उसके बेसिस के ऊपर हम उसे कमीशन देंगे, ठीक है। ये आपको नॉलेज होना चाहिए प्योर अंडर राइटिंग क्या है। प्योर अंडर राइटिंग यानी अगर पब्लिक में सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ तो अंडर राइटर परचेज करेगा, और पब्लिक में सब्सक्रिप्शन हो गया तो अंडर राइटर परचेज नहीं करेगा। और इन द केस ऑफ फर्म अंडर राइटिंग, फर्म अंडर राइटिंग का मीनिंग क्या होता है, द अंडर राइटर एग्रीज टू टेक अप अ सर्टेन नंबर ऑफ शेयर्स वेदर और नॉट द इश्यू इज अ सब्सक्राइब, यानी आगे भी देख लो, इट मीन्स दैट द कंपनी इज बाउंड टू अलॉट एग्रीड नंबर ऑफ शेयर्स टू द फर्म अंडर राइटर वेदर द इश्यू इज अ फुली सब्सक्राइब्ड, ओवर सब्सक्राइब्ड और अंडर सब्सक्राइब्ड। यानी हमें पब्लिक में से पूरी सब्सक्रिप्शन मिल गई है तो भी हम क्या करेंगे, अगर हमने फॉर्म अंडर राइटिंग किया है तो जितना भी हमने डिसाइड किया होगा उतना हमें अंडर राइटर को देना ही पड़ेगा, उतने शेयर्स अंडर राइटर को कंपलसरी देने ही पड़ेंगे। हमें अगर पूरा सब्सक्रिप्शन मिलता है, कम मिलता है, ज्यादा मिलता है, कोई भी सिचुएशन होगी हमें उससे उतने शेयर्स देने ही होंगे, ओके। सो ये दोनों मीनिंग है प्योर अंडर राइटिंग एंड फॉर्म अंडर राइटिंग के, ओके। मेन इम्पॉर्टेंट उसमें ये सब में आपको जर्नल एंट्रीज है वो याद करनी ही है, और जो बड़े सम्स आएंगे उसकी कैलकुलेशन के लिए एक टेबल बना है और आपको स्टेप्स दिए हैं, उस स्टेप्स के हिसाब से ही आपको सब सारे सम्स काउंट करने हैं, ओके। बहुत ही इजी चैप्टर है, अगर आप एक बार इसका फंडा दिमाग में क्लियर कर लोगे तो आपको आसानी से आ जाएगा। और ये सारी एंट्रीज आपने ट्वेल्थ में भी की है ताकि ये कुछ आपके लिए नया नहीं है, ठीक है। सो सारी एंट्रीज देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन द एप्लीकेशन आर रिसीव्ड फ्रॉम द पब्लिक, पब्लिक के पास से हमें कोई भी एप्लीकेशन मिलती है, तो जैसे हम ट्वेल्थ में शेयर एप्लीकेशन का जो चैप्टर था उसमें हमने पढ़ा था, वैसे ही ये सारी अमाउंट हमारे बिजनेस में आ रही है, ओके। सो बैंक इज द रिसीवर, नाउ बैंक अकाउंट इज अ डेबिट टू, ये किसके लिए है, शेयर एप्लीकेशन के लिए, सो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट। उसके बाद हम क्या करते हैं, शेयर एप्लीकेशन का अकाउंट बंद करके वो एप्लीकेशन की अमाउंट कहाँ ले जाते हैं, शेयर कैपिटल में ले जाते हैं, सो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ओके। उसके बाद व्हेन द अंडरराइटर हैज टू टेक अप अनसब्सक्राइब्ड शेयर्स, यानी पब्लिक में सब्सक्राइब नहीं हुए हैं वो सारे शेयर्स क्या करेंगे, अंडरराइटर्स परचेज करेंगे। सो जो भी अंडरराइटर का नाम होगा वो अंडरराइटर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट। उसके बाद हम क्या करेंगे, अंडरराइटर्स को कमीशन प्रोवाइड करेंगे। अब अंडरराइटर्स का जो कमीशन है वो हमारे लिए तो एक्सपेंस है, सो अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट, और लेगा कौन, अंडरराइटर रहेगा, उसके लिए ये इनकम होगी, सो अंडरराइटर्स अकाउंट क्रेडिट, ओके। उसके बाद व्हेन अमाउंट ड्यू फ्रॉम अंडरराइटर इज रिसीव्ड, यानी अंडरराइटर्स ने जो शेयर परचेज किए हैं वो अमाउंट वो हमें देगा, ओके। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर्स अकाउंट, क्योंकि उतनी अमाउंट हमें क्या करनी होगी, उनके पास से रिकवर करनी होगी। फॉर एन एग्जांपल, अंडरराइटर्स ने 10,000 शेयर्स अंडर रिटर्न किए हैं, 10,000 शेयर्स उन्होंने परचेज किए हैं, सो 10,000 के ऊपर जितनी भी एप्लीकेशन की अमाउंट होगी वो हम अंडरराइटर्स के पास से लेंगे, क्योंकि ये सारे शेयर्स किसने परचेज किए हैं, अंडरराइटर्स ने परचेज किए हैं। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर्स अंडरराइटर्स अकाउंट क्रेडिट। ये सारी आपकी बेसिक जो है जर्नल एंट्रीज है वो आपको याद करनी है, स्टेप बाय स्टेप ही करनी है। पहले शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में हम लेके जाएंगे बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन से शेयर कैपिटल में जाएंगे, ओके। उसके बाद जो अंडरराइटर्स परचेज करते हैं तो अंडरराइटर्स अकाउंट डेबिट, ओके, और उनको कमीशन देंगे, और लास्ट में जो बैलेंस अमाउंट आएगी वो हम फाइंड करेंगे। बहुत ही बेसिक सम है, फर्स्ट इलस्ट्रेशन वही हम आज करते हैं ताकि आपको जर्नल एंट्रीज याद हो जाए, ओके। नाउ द महेश्वरी लिमिटेड इश्यूड 50,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, मेशर्स धर्मपाल एंड सन्स एंटर्ड इनटू एन अंडरराइटिंग एग्रीमेंट फॉर अंडरराइटिंग द होल ऑफ इश्यू एट द कमीशन ऑफ 4% ऑन शेयर्स। यानी ये महेश्वरी लिमिटेड एक कंपनी है, उन्होंने 50,000 शेयर्स इश्यू किए,
उन्होंने क्या किया अपनी सेफ साइड के लिए, अगर आपको सब्सक्रिप्शन फुली नहीं मिलता तो आप अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सके, तो उन्होंने सेफ साइड के लिए मेशर्स धर्मपाल को क्या बना लिया, अपना अंडरराइटर बना लिया। यानी अगर 50,000 में से हमें एप्लीकेशन नहीं मिलती है पब्लिक में से, तो बाकी के जितने भी जो शेयर होंगे वो क्या कर लेंगे, मेशर्स धर्मपाल परचेज कर लेंगे। ठीक है, उनको हमने बोला है कि आपको कितना कमीशन मिलेगा, 4% ऑन अंडर रिटर्न हमने आपको जितना भी किया है, यानी 50,000 के लिए पूरा हमने किया है। देखो, एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट, अंडर राइटिंग एग्रीमेंट फॉर द होल ऑफ इश्यू, होल ऑफ द इश्यू यानी 50,000 पूरा हमने क्या कर लिया है, अंडर रिटर्न कर लिया। बाकी जितना मिल गया पब्लिक में से उतना हमारे लिए अच्छा है। नाउ एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 46,000 शेयर्स। ओके, हमें 46,000 शेयर्स है वो कहां से मिल जाते हैं, पब्लिक में से मिल जाते हैं, और बाकी के जो रिमेनिंग शेयर्स है वो क्या करेंगे, अंडरराइटर जो हमारा मेशर्स धर्मपाल है वो क्या कर लेगा, परचेस कर लेगा। कैश वॉज रिसीव्ड ऑन ऑल द शेयर्स, सारे के सारे शेयर्स के ऊपर हमें कैश मिली है। पास एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी, हमें क्या करना है, सिर्फ कंपनी के अकाउंट्स में जर्नल एंट्रीज लिखनी। ओके, तो सबसे पहले हमें जितनी एप्लीकेशन की अमाउंट मिली है, वही कितनी एप्लीकेशन मिली है, 46,000। सो बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि इतनी अमाउंट बैंक लेगी ऑन द बिहाफ ऑफ द कंपनी। सो बैंक अकाउंट डेबिट 46,000 इंटू 10 4,60,000 टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट। दूसरी एंट्री हमारी ऑलवेज क्या होती है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट बंद करके उनको हम कहां लेके जाते हैं, कैपिटल अकाउंट। सो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, जितनी हमने पहले डेबिट की थी वही हम क्या करेंगे, क्रेडिट करके एप्लीकेशन अकाउंट बंद कर देंगे और एप्लीकेशन की अमाउंट हम कैपिटल में लेके जाएंगे। ओके, उसके बाद है यस, बाकी के जो सारे शेयर थे वो कौन कर लेगा, परचेस धर्मपाल कर लेगा, क्योंकि टोटल इश्यू 50,000 है, उसमें से 46,000 की हमें एप्लीकेशन पब्लिक में से मिल गई है। सो बाकी के बचे 4,000 शेयर्स, यस, ये 4,000 शेयर्स क्या करेगा, मेशर्स धर्मपाल सन्स परचेस कर लेंगे। सो हम लिखेंगे मेशर्स धर्मपाल एंड सन्स अकाउंट डेबिट 4,000 इंटू 10 40,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि इससे हमारी क्या क्रिएट होती है, कैपिटल क्रिएट होती है, शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। अब आती है बारी अंडरराइटिंग कमीशन की, हम क्या देंगे उसको, कमीशन देंगे। कितना कमीशन देंगे, तो हमने अपना जो इश्यू था वो पूरा क्या किया है, अंडर रिटर्न किया है। यानी हमें भरोसा नहीं था कि पब्लिक में से कितना मिलेगा, अगर एक भी अमाउंट नहीं मिली तो भी हम क्या है, सेफ है, क्योंकि हमने पूरे पूरी अमाउंट के लिए क्या कर लिया है, अंडर राइटर रख लिया है। तो 50,000 हमारे नंबर ऑफ शेयर्स हैं इनटू 10 यानी 5 लाख, और 5 लाख के ऊपर हमें क्या मिलेंगे, 4% हम क्या करेंगे, कमीशन देंगे, सॉरी मिलेगा नहीं, हम देंगे, क्योंकि हमने अंडरराइटर रखा है। तो यहां हम क्या करेंगे, जितना हमने उनको अंडरराइट किया है 50,000 इनटू 10 इनटू 4%, 10 वो क्या है, फेस वैल्यू है। ओके, जितने में हम इश्यू करेंगे उतनी अमाउंट हम मल्टीप्लाई करेंगे। आप बोलोगे कि मैम धर्मपाल ने तो सिर्फ 4,000 शेयर्स ही परचेज किए हैं तो हम उसके ऊपर कमीशन नहीं देंगे। नहीं, यहाँ आपको याद रखना है, जितने शेयर्स वो परचेज कर रहे हैं उसके ऊपर हम कमीशन नहीं दे रहे हैं। हम कमीशन किसके ऊपर दे रहे हैं, जितना हमने उनको अंडरराइट किया था, अंडरराइट यानी इतनी लायबिलिटी क्रिएट की थी कि भाई 50,000 नहीं मिले तो 50,000 भी आप परचेज करोगे। आपको 46 मिल गया वो तो अच्छी बात है, मिल गया। ओके, सो याद रखना, ऑलवेज जितनी हम अंडर रिटर्न करते हैं, जितनी हमने उनको बताया है कि आपको इतना परचेज करना होगा, ठीक है, उतनी लायबिलिटी हमने क्रिएट की है, उतना ही हम लेंगे। यहाँ गलती से भी 4,000 लेके कैलकुलेशन नहीं करना है। ओके, याद रखना, जितना हमने अंडर रिटर्न किया है वही हम लेंगे। सो 50,000 शेयर्स इंटू 10 उसकी फेस वैल्यू, इश्यू प्राइस है, फेस वैल्यू यानी इश्यू प्राइस है। अगर यहाँ प्रीमियम है तो आप प्रीमियम भी ऐड करना होगा। ओके, यहाँ प्रीमियम नहीं है, ये सिंपल है, तो इनटू 10 और उसका 4%। सो अंडरराइटिंग कमीशन हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है। सो अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट 40,000 टू धर्मपाल एंड सन्स, क्योंकि वो हमारा अंडरराइटर है तो उसमें हम क्रेडिट कर देंगे। अब लास्ट की एंट्री है वो क्या है, देखो धर्मपाल डेबिट हुआ है और यहाँ क्रेडिट हुआ है, इसका मतलब क्या होता है कि धर्मपाल के पास से हमें 40,000 लेने के, क्योंकि उन्होंने ये शेयर्स क्या किए हैं, परचेज किए हैं।
सो परचेज करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, शेयर्स की अमाउंट मिलेगी। सो 40,000 धर्मपाल के पास से हमें लेने हैं। धर्मपाल ने बोला ठीक है मैं 40,000 दे दूंगा, पर आपको क्या करना है, 20,000 कमीशन भी मुझे देना है। ओके जैसे हम अपने डे टू डे लाइफ में करते हैं, अगर आपकी फ्रेंड है, आपकी फ्रेंड को क्या करना है, आपको 100 रुपीज देने के हैं। एक फ्रेंड है लीना और दूसरी है टीना। लीना को क्या करना है, टीना को 100 रुपीज देने हैं, ठीक है। और टीना को भी क्या करना है, सामने 60 रुपीज उसको देने। फ्रेंड्स में जो होते रहते हैं पेमेंट और वो, उसके हिसाब से लीना को क्या करना है, टीना को 100 देने हैं और टीना को 60 रुपीज लीना को देने हैं। तो हम क्या करेंगे, ऐसे नहीं करते मैं पहले आपको 100 देती हूँ उसमें से फिर आप 60 निकाल के मुझे दे दो। हम क्या कर लेते हैं, बीच का जो डिफरेंस है वो निकाल लेते हैं। 100 देने हैं और 60 सामने लेने हैं, तो डिफरेंस कितना बचा, 40 का। तो हम क्या करेंगे, जो 40 लीना है वो क्या करेगी, 40 रुपीज टीना को दे देगी और हिसाब क्या हो गया, क्लियर हो गया। तो वही काम हमें यहां करना है। पहले हम धर्मपाल से 40,000 लेंगे, बाद में हम धर्मपाल को 20,000 देंगे। इससे अच्छा हम क्या कर लेंगे, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो निकाल लेंगे और जो डिफरेंस होगा वही हम क्या करेंगे, देना होगा तो हम देंगे और हमने लेना होगा तो हम क्या कर लेंगे, उसके हिसाब से ले लेंगे। यहाँ 40,000 लेने के हैं और 20 देने के हैं, यानी नेट अमाउंट 20,000 हमें क्या है, रिसीव्ड होगी फ्रॉम द धर्मपाल। ओके क्योंकि 40,000 शेयर्स उन्होंने परचेस किए हैं, उसके 40,000 हमें ऑलरेडी लेने के ही है, और बाद में जो 20,000 है वो हम उसको कमीशन दे रहे हैं। तो हम उसकी नेट एंट्री 40-20 20,000 ही अब हम क्या करेंगे, धर्मपाल के पास से अमाउंट लेंगे। सो बैंक अकाउंट डेबिट 20,000 टू धर्मपाल एंड सन्स अकाउंट 20,000। अब धर्मपाल का अकाउंट क्या हो गया, क्लोज हो गया, ठीक है। सो एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अंडरराइटर, अंडरराइटर की बुक्स में आपको नहीं बोलते, आपको सिर्फ कंपनी की बुक में ही बोलते हैं। तो आपको यह याद रखना है कि कंपनी में बुक में कौन कौन सी एंट्रीज होगी, ठीक है। बहुत आज हमने एकदम बेसिक सम किया है और इसका कॉन्सेप्ट हमने समझा है, व्हाट इज अंडरराइटर और अंडरराइटर कमीशन में क्या होता है, ठीक है। आप ऐसे दो छोटे सम से वो ट्राई करोगे, सम नंबर वन, प्रैक्टिकल का सम नंबर वन एंड सम नंबर टू, ठीक है। बहुत ही बेसिक सम है ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। उसके बाद से हम क्या करेंगे, जो बड़े सम्स हैं वो स्टार्ट करेंगे। बहुत ही ईजी है, ठीक है। और आपकी पेपर पैटर्न के हिसाब से आपको क्या करने होंगे, सिर्फ दो ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे जैसे आपने पहले किया था। तो मैं सजेस्ट करूंगी आपको इंश्योरेंस वाला है वो चैप्टर ईजी है, वो तो आप अगर एक भी छोटी मिस्टेक कर दोगे तो भी आपको क्या होगा, जो आपने फॉर्मेट लिखा होगा, जो थोड़ी बड़ी जो कैलकुलेशन की होगी उसके मार्क्स मिल जाएंगे। तो इंश्योरेंस वाला चैप्टर तो आप करोगे ही करोगे, ठीक है। बाकी में आपको ऑप्शन है, मैं एडवाइस करूंगी कि 4 मॉड्यूल में से कम 3 मॉड्यूल तो कंपलसरी कर ही लो। 3 मॉड्यूल कर लोगे तो आप सेफ साइड में रहोगे। कोई भी एक चैप्टर का अगर डिफिकल्ट सम आपके सामने आता है तो आप इजीली वो सम छोड़ के दूसरा सम कर सकते हो, ठीक है। सो 3 मॉड्यूल तो आपको कंपलसरी करने ही है। इंश्योरेंस वाला तो ऑप्शन मैं आपको देती नहीं हूँ, आपको छोड़ना ही नहीं, इंश्योरेंस वाला तो करना ही है क्योंकि उसमें डिसाइडेड फॉर्मेट के हिसाब से ही चलना है, तो आपको उसमें कंप्लीट मार्क्स मिल सकते हैं। ओके बाकी के ये जो फर्स्ट मॉड्यूल है वो भी इजी है और सेकंड वाला है वो भी बहुत इजी है। आप 3 मॉड्यूल कंपलसरी कर लेना ताकि आप सेफ साइड में रहो। ओके इस चैप्टर की शुरुआत में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो। ओके बाद में हम इसके जो बड़े सम्स है वो शुरू करेंगे। आपको आज इलस्ट्रेशन 1 और प्रैक्टिकल का जो सम नंबर 1 और 2 है वो याद करना है। आप पहले आपकी बुक में पहले एंट्रीज लिख लोगे। ओके जैसे हमने बिजनेस परचेज में की थी, पहले आप एंट्रीज लिख लोगे और बाद में सारे सम्स शुरू करोगे। टेक्स्ट बुक में दी ही गई है, ऐसे ही एंट्री आपको लिखना है। ओके थैंक यू।